प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान चर्चाओं में। बता दें कि पीएम एक लीडरशिप समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि देश में पहले आतंकी हमला होता था तो पूर्व की सरकारें दुनिया से अपील करती थी कि हमारी मदद करिए, आतंकियों को रोकिए। हमारी सरकार में आतंकी हमला हुआ तो हमले का जिम्मेदार देश दुनिया भर से खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लीडरशिप समिट में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को संदेश दिया गया है कि भारत बेहतर भविष्य की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। 2023 में जब देश में अगले वर्ष होने वाले चुनावों की चर्चा हो रही है तो आपकी थीम है बियॉन्ड बैरियर्स। आपने साफ संकेत दे दिया है कि देश की जनता इस बार बैरियर्स तोड़कर हमारा समर्थन करने वाली है। बता दें कि 2024 के चुनाव परिणाम बाधाओं से परे होंगे, ये भी कहा गया। बियॉन्ड बैरियर्स होंगे 2024 के चुनाव। उन्होंने कहा कि 2014 में जब हमारा पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, हम सेवा काल में आए थे तो अलग थीम थी और 2019 से पहले कुछ और थीम थी। इसके बाद 2024 में जब हम चुनाव में जाने वाले हैं तो इस बार की थीम बियॉन्ड बैरियर्स अलग रखी गई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ओपिनियन पोल चुनावों से कुछ सप्ताह पहले आते हैं और बताते हैं कि क्या होने वाला है। देश की जनता इस बार सभी बैरियर को तोड़कर हमारा समर्थन करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत हर बैरियर को तोड़ते हुए चांद पर पहुंच गया, जहां कोई नहीं पहुंच सका। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर वन पर रहा। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रहा है। आज का भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 बड़े देशों में से है। उन्होंने आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कुशल पूल अपने यहाँ बन रहा है, ये भी कहा। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर भी कहा कि ये दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि कभी पास नहीं होगा, लेकिन हमने इसे पास किया। आतंकी हमलों को लेकर पूर्व की सरकारों पर पीएम ने तंज कसा, कहा कि वो दूसरे देशों से मदद मांगती थी लेकिन अब का भारत मदद नहीं मांगता। पीएम ने कहा कि आज भारत में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और कम होती हुई गरीबी दो फैक्टर्स बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था चक्र का आधार बने हुए हैं, जिसके बाद पीएम का ये बयान चर्चा हुआ।